अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे। तो आज फिर मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है। पिछली बार मैंने एक पर्स मंगाई थी जिसका मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। सेम प्रॉब्लम थी, उन्होंने कोई बैग के अंदर नहीं दिया था, बस ऐसे ही एनवलप में दे दिया, और इस बार भी ऐसे ही दिया है। वो वाली जो पर्स थी वो मैंने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि वो जहां जहां से फोल्ड हुई थी या तो फिर उठा पटक में वो काफी स्क्रैच उसके ऊपर आ गए थे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा था। और इस बार भी फ्लिपकार्ट ने मुझे ऐसे ही एक एनवलप में दे दिया है, और लेट्स सी इसको खोल के देखते हैं किसके अंदर इसकी क्या हाल है। अगर वैसे ही हाल रही तो फिर मैं फिर इससे भी रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि कोई बॉक्स में रख के दें तो ठीक रहता है, काफी दूर से आता है ये। तो ये मुझे 402 रुपीज की मुझे रिसीव हुई है ये। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है इसकी। पता नहीं, कोई बॉक्स में दिया होता तो फिर ज्यादा अच्छा लगता लेने में भी और ओपन करने में भी। देख रहे हैं कैसे जुआड़ू और वाला काम किया है इन्होंने। ये फ्लावर वाली है, थोड़ा डार्क लाइट मेहरून शेड पे है। तो ये मिला जुला के तो सब कुछ ठीक रिसीव हुआ है मुझे। इसका स्लिंग नहीं दिया क्या इन्होंने? ओहो, लगता है इसे मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा। इसका तो इन्होंने स्लिंग ही नहीं दिया, ये भी तो पता नहीं क्या भर के दिया है। तो फिर सब मिला जुला के तो ठीक ही था, पर्स में कहीं डैमेज भी नहीं था, सब कुछ अच्छा था। मैंने सब पॉकेट चेक कर ली, पर इस पर टांगने के लिए कुछ था ही नहीं। ये तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब मैं इसे रख लेती अगर इसके पास कुछ टांगने के लिए होता, उन्होंने कुछ टांगने के लिए दिया ही नहीं, तो मेरे लिए तो ये बहुत डिसअपॉइंट था। मैंने फ्लिपकार्ट से जब भी कोई पर्स मंगाई है या कोई बैग मंगाया है, मेरे साथ कुछ ना कुछ इशू तो हमेशा ही हो गया है। तो मैं फ्लिपकार्ट की पर्स वाली सर्विस तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।